ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इफ एल्स और लेडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं उसको देखने के लिए पहले हम ओपन करते हैं डेफ सी प्लस प्लस, और उसके बाद भी ओपन हो जाएगा तो हमें यहाँ क्लिक करना है, सोर्स फाइल लेनी है, और एज वी नो कि हमें लाइब्रेरीज एट प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी ऐड करनी है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच कॉपी पेस्ट कॉन्यू डॉट एच, सही है, मेन फाइल, और मेन के बाद सही है। ओके, अब देखो मैं इधर मैं एक कमांड लिखता हूँ, प्रिंट एफ सलमान। ये कमांड मैं रन करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, सही है, F11 लिखता हूँ मैं, और ये हमें पता है। अच्छा, पहले कहेगा सेव कर लो, तो मैं कर लिया इसको सेव, फिर चलाते हैं अब इसको F11, कंपाइल एंड रन। तो देखो एक दफा आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये नाम 5 टाइम्स आए, तो कैसे आएगा स्क्रीन पे 5 टाइम्स कैसे आएगा? तो बोगे सर यहाँ पे लगाएं बैक स्लैश एन, इसको कॉपी कर लें, 2 3 4 5, अब आप सेव करें और चलाएं, आपका नेम आ जाएगा 5 टाइम्स, आ गया, कोई मसला नहीं है यहाँ तक तो भाई। मगर अब मैं कहता हूँ मुझे अपना नाम 1000 टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो ये वाली जो लाइन है ये 1000 टाइम्स रिपीट होंगी, तो क्या मैं बार बार लिखूँ यहाँ पर एडिटर पे 1000 टाइम? नहीं। तो इसके लिए एक अप्रोच यूज होती है जिसे हम कहते हैं लूप। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन प्रोसेस, सही, एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो जब तक हम चाहते हो उसे, सही है। तो देखो कैसे होगा ये। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फॉर लूप को, तो मैं इन कमांड्स को मिटा देता हूँ, मुझे इस तरह करने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, सही है, और यहाँ लिखेंगे फॉर, राउंड ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ये कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, सही है, फिर यहां लिखेंगे हम आई इज इक्वल टू 0 टर्मिनेटर, आई शुड बी लेस देन 1000 टर्मिनेटर आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में कि ये आई 0, आई लेस देन 1000 और आई प्लस प्लस का मतलब क्या है। और यहां इस ब्रैकेट के दरमियान में यहां पर वो कमांड आएंगी जिनको तुमने रिपीट करवाना है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, वो कमांड आएंगी जो हम रिपीट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट एफ सही है। अब मैं इसको चलाता हूं F11, देख रहे हो उसने 1000 टाइम्स मेरा नेम प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, सही है। तुम कहोगे सर लाइन चेंज करवा लें तो अच्छा लगेगा थोड़ा, देखो ठीक है, जैसे ही 1000, अब ये देखो 1000 कैसे यहां लिखा हुआ भी आ जाए सर तो अच्छा लगेगा हमें, परसेंट डी कॉमा लगा के यहां पे तुम लिख दो आई, सेफ F11। अब देखो साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, देखो अच्छा वो बाकी लाइन हाइड कर देगा, 1000 से ऊपर वाली जो लाइन है ना वो नहीं शो कर रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस करते 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 नीचे आ गया। थोड़ी सी लेंथ कम करते हैं तुम्हें समझाने के लिए, 1000 बहुत ज्यादा है, 100 ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो शुरुआत की इसने, ऊपर जाओ देखो बिल्कुल शुरू से, कहाँ से शुरू हुई है वैल्यू? 0 से शुरू हुई है, सही है, और कहाँ तक गई है? 900 सिर्फ 99, बिकॉज 100 टाइम लूप। तो इसका क्या मतलब हुआ, लूप कितने टाइम्स चला है? 100 टाइम्स, क्यों? क्योंकि 0 भी एक नंबर है, अगर तुम 0 से काउंट करोगे तो 99 तक कितनी काउंटिंग हो जाएगी? 100 लेंथ हो जाएगी, सही है, बात समझ में आ रही है। अब देखो तुम कहोगे सर 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं आप, डायरेक्ट 1 से करें, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं ऐसे, तो आप 1 से करें, 1 से कर देते हैं, चलो। अब ये 0 से स्टार्ट करने का एक रीजन होता है, ठीक है, वो बताता हूँ थोड़ी देर में, तुम्हारी बात मान के मैं करता हूँ 1 से स्टार्ट,
कहा सर वन से चला है और 99 तक आया है। हुआ ऐसा? अगर हमें कहाँ तक चाहिए तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? 101 कर दो भाई, ऐसे काम चल जाएगा। आगे 100 तक सही है, मगर तुम कह रहे हो सर मैं चाहता हूँ यहाँ 100 लिखा हुआ रहे और चले भी 100 टाइम्स, तो दूसरा इक्वल टू, वेरी गुड, ठीक है यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दो। वो क्या बताएगा कि आई की वैल्यू तब तक चले जब तक आई लेस देन इक्वल टू 100 है, यानी आई जब तक छोटा है 100 से तब तक चलता रहे और 100 के बराबर है तब भी चले, सही है, और 100 से बड़ा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो, अब लूप को समझने का वक्त आ गया। वो इस लाइन को कितने टाइम्स रिपीट किया उसने? इस लाइन को 100 टाइम्स रिपीट किया। अब ये होता कैसे है? ठीक है, तो आ जाते हैं फॉर लूप पर और इसको समझने की कोशिश करते हैं पेंट पे जाके। जरा सा इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं यहाँ से, तो ये मसले मसाले सही है। ये कोड है लूप का। अब इसमें जो ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले जो लिखा हुआ है फॉर, फॉर क्या है? फॉर एक कीवर्ड है। ये जो फॉर लिखा हुआ है ये कीवर्ड है, ये लगाओगे इसका मतलब है, इसका मतलब है यहां से लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद तुम देख रहे हो ये पार्ट है, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इसके तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। इनको नेम देता जाता हूँ मैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये इसका थर्ड पार्ट, सही है, क्लियर है। यहाँ पे देखो जहां जहां टर्मिनेटर होता है वहां वहां एक स्टेटमेंट खत्म होती है। कितनी स्टेटमेंट्स है इस बॉड, इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स है, ठीक है। अब तुम कहोगे चले सर ये तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये बता देंगे ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये लूप की बॉडी है, सही है, इसको हम कहते हैं फोर्थ पार्ट है इस लूप का। तो लूप के कितने पार्ट हो गए हमें अपने समझने के लिए? 4 पार्ट हो गए। इसका फ्लो समझना जरूरी है ताकि हम आगे प्रोग्रामिंग करें तो आसानी समझ में। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। ये वाला जो पार्ट है ना ये क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्या बताता है इनिशियलाइजेशन से? क्या पता चलता है इनिशियलाइजेशन से? हमें पता चलता है कि लूप को स्टार्ट कहां से करना है, सही है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है? 1 से, तो 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर है ये बात। इनिशियलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, उस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं वो बताता है कहां से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ये सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, आ जाते हैं भाई सेकेंड पार्ट पे। तो ये सेकेंड पार्ट क्या बता रहा है? ये वाला पार्ट कहलाता है कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? इफ एल्स में चेक किया था ना, इफ आई इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन एज वगैरह मालूम की थी। तो कंडीशन में क्या हो रहा है? कह रहा है आई की वैल्यू जब तक 100 से छोटी होगी तब तक ये लूप चलेगा, ये कंडीशन लिखी हुई है। और ये थर्ड पार्ट है इंक्रीमेंट, यानी आई प्लस प्लस, आई में एक इजाफा होता रहेगा, एक प्लस होता रहेगा। और ये फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट वो है जहाँ बॉडी बार बार क्या होगी, हाँ वो कोड जो रिपीट होगा, ठीक है। अब इसका फ्लो कैसे समझना है तुमने? देखो इसका फ्लो ऐसे समझ में आएगा तुम्हें, ये सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी, सही है, इनको बस नाम दे देता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये पूरा नंबर 4, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना। लूप ऊपर से एडिटर कोड रीड करता हुआ आया, जैसे यहां आया उसको पता चला फॉर लूप है। फॉर लूप में सबसे पहले वो क्या करेगा? आई के पास जाएगा, आई के पास गया और आई के अंदर वैल्यू 1 आ गई, आई इज इक्वल्स टू, सही, उसको 1 याद है आई के अंदर। अब वो आता है यहां पे नेक्स्ट टाइम, 1 के बाद कहां जाएगा? 2 पे, अगला फ्लो 2 पे। अब वो चेक करेगा क्या आई 100 से छोटा है, आई के अंदर अभी क्या सेफ है? 1, 1 लेस देन 100 है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू।
कंडीशन क्या हो गई? ट्रू मिल गई, सही है। जब कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो कहाँ जाएगा? थर्ड पार्ट पे? नहीं, वो थर्ड पार्ट पे नहीं जाएगा। टू के बाद कहाँ जाएगा? डायरेक्ट फोर पे जाएगा, और इस फोर्थ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, यानी इस लाइन को लिखेगा, कमांड चलेगी। मैं यहाँ सी लिख रहा हूँ, सी का मतलब वो कमांड चल जाएगी जो लूप के अंदर है, सही है। और फिर क्या होगा? फोर्थ पार्ट जब खत्म हो जाएगा, सारी लाइन यहाँ तक पढ़ लेगा, वापस कहाँ आएगा? अब आएगा थ्री लाइन पर, और आई की वैल्यू में क्या कर देगा? एक इंक्रीमेंट, और आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? एक इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो गई? टू, वन में वन प्लस हुआ टू। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा? इसके बाद ये क्या दोबारा वन पे जाएगा? नहीं, इसके बाद ये जाएगा डायरेक्ट टू पे। तो जो साइकिल है वो कैसे चलती रहेगी? सिर्फ पहली दफा ये चलेगा वो आई इक्वल टू वन, फिर जो साइकिल है वो कैसे चलेगी? देखो इस तरह से चलेगी, बिल्कुल सही। टू, फोर, फोर के बाद थ्री, और थ्री के बाद दोबारा टू, ये साइकिल चलेगा लूप, सही है, क्लियर है ये बात। अब देखो किस तरह से ये कंडीशन आगे फिर ऐसे चलेगा, फिर आई इज इक्वल्स टू थ्री होगा, आई इज इक्वल्स टू, इस तरह सो ऑन करते 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 एक पॉइंट आएगा जहां आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 आ जाएगी। 100 पे चलाएगा, आगे जाएगा, अब 100 के बाद 100 हो गई, इस लाइन को प्रिंट करके फिर ऊपर आया, आई में एक इजाफा कर दिया, अब आई की वैल्यू 100 नहीं, क्या हो गई? 101। आई इज इक्वल्स टू 101। अब वो जब सेकेंड पार्ट पे भेजता है इसको, तो वो चेक करता है क्या आई 100 से छोटा है, 101 इज लेस देन 100, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स उसको यहां से रिटर्न हुआ, उसने बॉडी को स्किप किया और बाहर आ गया, लूप ब्रेक हो गया, खत्म हो गया लूप, यानी अब लूप इससे ज्यादा नहीं चलेगा, इसको हम कहते हैं ब्रेक। ये कार तब तक चलेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है लूप ब्रेक हो जाएगा, क्लियर है लूप का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे वापस आता हूँ, मैं एक और टेस्टिंग करवा देता हूँ तुम्हें, इसको मैं 10 कर देता हूँ, और 10 करने के बाद मैं एक लाइन लिखता हूँ, प्रिंट एफ लूप ब्रेक, सेव किया, F11 लूप ब्रेक। देखो कब चला है, जब वो पूरी 10 लाइनें पढ़ चुका है 1 से लेकर 10, क्लियर है ये बात? ठीक है, इनफ।